उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री विजय कश्यप जी। सर, देखा जाए अभी आपने जो है चार्ज भी लिया है, और फिलहाल अगर मैं स्थिति की बात करूँ, मुद्दों की बात करूँ राजनीति को लेकर, तो अखिलेश यादव की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है, इन्वेस्टर समिट होती है, लोगों को जमीन स्तर पर रोजगार जो है मिलते नजर नहीं आता। देखो, उनके पास कुछ बोलने के लिए है तो नहीं है, अब कुछ भी इल्ज़ाम ऐसे ही लगाओगे। कानून व्यवस्था इतनी सुंदर उत्तर प्रदेश की है, आज सारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वाही वाही हो रही है, और बहुत सारा जो बिजनेस यहाँ आने वाला है वो सब केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी ठीक हुई है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनका विशेष ये एजेंडा है प्रदेश की कानून व्यवस्था वो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, उपचुनाव है, 13 सीटें हैं, कड़ा मुकाबला है, बीएसपी का देखा गया लोकसभा में प्रदर्शन, अब आपको क्या लगता है इन 13 सीटों पर अगर उपचुनाव होता है तो किस तरीके की स्थिति जो है विपक्ष की बन सकती है? सारी सीटें हम जीत रहे हैं, अब जनता ने समझ लिया है विकास केवल भाजपा सरकार ही करा सकती है, कानून व्यवस्था ठीक कर सकती है तो भाजपा सरकार कर सकती है, तो सब लोग समझ चुके हैं इस बातों को, अब कहीं मैं समझता नहीं कोई बात है, सारी सीटें हम जीतने वाले हैं। यानी कि 13 की 13 सीटें बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेंगे। चलिए शुक्रिया सर, आर9 टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजय कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनावों की रणनीति बीजेपी के लिए आसान होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का क्या हाल होता है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं भावना, आर9 टीवी दिल्ली।